15 अगस्त देवभूमि तरहटी पुलिस चौकी रोड स्थित निवास पर श्री झूलेलाल धर्मार्थ प्याऊ समिति द्वारा रीवा सिंधी समाज के ब्राह्मण स्वर्गीय श्री संतोष शर्मा सोनू महाराज की धर्मपत्नी कोमल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में 78वां स्वतंत्रता दिवस पर उनके कर कमलों से ध्वजारोहण किया गया। उक्त कार्यक्रम में रीवा के विशिष्ट अतिथि सिंधु पराग संपादक विजय थवाणी, माँ शक्ति पंचांग के प्रधान संपादक लेखराज मोटवानी लेकू, समिति के संरक्षक कैलाश आहूजा कुटू, महासचिव दीपक दुर्गिया, कोषाध्यक्ष कैलाश लखवानी, सचिव हेमंत दावलिया, पीयूष गुप्ता, विशिष्ट सामान रमेश तिवारी, धीरेन श्रीवास्तव, सनी दुर्गिया एवं अनेक गणमान्य नागरिक और बच्चों ने राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अंत में आभार श्री तिवारी ने व्यक्त किया। मैं आज इस शुभ अवसर पर स्वतंत्रता दिवस पावन पर्व पर श्री झूलेलाल धर्मार्थ प्याऊ समिति का जो तात्पर्य है सिर्फ पूजा भंडारे और सेवा नहीं, ऐसे अवसर पर स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस पर यह भी हमारा धर्म है कि हम उन बलिदान के वीरों को भी पुष्प अर्पित कर उस ध्वजारोहण के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करें। हम अपने स्वतंत्रता की प्रसन्नता व्यक्त कर सभी को बधाई दें। उसी के साथ मैं यह कहना चाहूँगा कि श्री झूलेलाल धर्मार्थ प्याऊ समिति जो धर्मार्थ के कार्यक्रम में सिंधी समाज की अग्रणी संस्था है, अभी गत दिवस 3 अगस्त को गया धाम जो हमारे समाज के लोग हैं स्वर्गमन हो चुके उनके मोक्ष के लिए पिंडदान के लिए बस रवाना की गई थी। जो भी हमारे सहयोगी आज हमारे बीच में हेमंत दावलिया जी, विजय थवानी जी और रत्तू भाई, सोनू लखवानी जी, भाई कोमल शर्मा जी ने भी अच्छा स्वागत सम्मान किया, आशीर्वाद दिया बस जाने के लिए। उसी तात्पर्य मैं स्वागत आशीर्वाद के रूप में हेमंत दावलिया जी को भी गया जी का प्रसाद एवं सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करूँगा। आज हमारे महाराज स्वामी कोमल शर्मा जी के हाथों से रीवा से लेखराज मोटवानी की रिपोर्ट।